राजधानी शिमला से मस्जिद विवाद की चिंगारी अब प्रदेश भर में सुलगने लगी है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में व्यापार मंडल द्वारा कोतवाली बाजार 3 घंटे के लिए बंद रखकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। व्यापार मंडल ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर रैली निकाली और प्रवासी लोगों की जांच की मांग की गई। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि प्रवासी कारोबारी अत्यधिक किराया चुकाकर क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं, वहीं उनके दस्तावेजों में पाई जा रही जन्मतिथियाँ समानता संशय पैदा कर रही है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की। दोरी मार झेल रहा है, एक तो ऑनलाइन बिजनेस के कारण और दूसरा रेडी फड़ी और फेरी वालों के कारण। हमारे लोगों से किराया नहीं निकल रहा दुकानों का और ये लोग पता नहीं कहां से 40-40 हज़ार रुपये 50-50 हज़ार रुपये पर किराए पर दुकानें ले रहे हैं। तो ये व्यापारी को जगाने के लिए हमने ये एक कॉल की है और यहां हमारे बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको सरकार जो है वो निग्लेक्ट कर रही है। व्यापारी भाइयों को एकत्रित किया है और उनको एक जगाने का सब एक साथ हम ये हिंदू एकता का प्रमाण भी है और ताकि जो बाहर हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे दुकानें ले रहे हैं किराए पर, उसके बाद वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से और अपने वो समुदाय के लोगों को बुला रहे हैं। हमारा सरकार से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि हमारा एक ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं इनके ऊपर एक पूरी नज़र हो और इनकी रजिस्ट्रेशन हो।